रोजाना 6 घंटे ईंट बनाने वाली लड़की बनी मिशाल। फादर्स डे पर मजदूर पिता को दिया ऐसा तोहफा, खुशी में पिता ने कह दी बड़ी बात। बेटी ने मजदूर पिता का नाम किया रोशन, हासिल की ऐसी सफलता। परिवार जश्न मना रहा और पड़ोसी बधाई दे रहे। बड़े बड़े कोचिंग और एसी रूम में बैठकर पढ़ने वाले बच्चे जो नहीं कर पाए, 6 घंटे तक ईंट भट्टे में तपने वाली लड़की ने कर दिखाया। मजदूर की बेटी बनी अमीर बच्चों के लिए प्रेरणा, देखिए कैसे हासिल की सफलता और आगे का क्या है प्लान। 18 जून को फादर्स डे पर जब अमीरों के बच्चे अपने पापा से केक कटवा रहे थे, तभी मजदूर की बेटी ने अपने पिता को एक ऐसी खबर दी कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मजदूर की बेटी जो ईंट भट्टे में 6 से 7 घंटे तक तपती थी, आज उसने ऐसी सफलता हासिल की है जिसने पूरे देश में डंका बजा दिया है। रिश्तेदार तारीफ कर रहे हैं, माँ नजर उतार रही है और पड़ोसी बधाई देते नहीं थक रहे। इधर बेटी की सफलता से पिता ने अब एक ऐसी बात कह दी जिससे बेटी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के डुमरडीह की रहने वाली यमुना चक्रधारी की। यमुना के पिता का एक छोटा सा ईंट भट्टा है, लेकिन इस भट्टे से इतनी कमाई नहीं हो पाती कि पूरे परिवार का खर्चा चल सके। परिवार में 6 लोग हैं, इसलिए सभी का खर्च निकालने के लिए अपने पिता के साथ यमुना भी ईंट भट्टे में अपने पिता के साथ ईंट बनाने का काम करती थी। जिस तरह से गर्म भट्टे में तपकर एक एक ईंट तैयार किया जाता है, उसे देखकर यमुना के इरादे भी मजबूत होते चले गए। भले ही परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन पढ़ाई कर मुकाम हासिल करने के उसके जो मजबूत इरादे थे, वो चट्टान की तरह थी। जिसका नतीजा ये रहा कि यमुना ने नीट क्वालिफाइड कर न सिर्फ दुर्ग जिला बल्कि प्रदेश के साथ साथ उन अमीर बच्चों के लिए भी मिसाल बन गई जो बड़े बड़े कोचिंग कर एसी रूम में बैठकर पढ़ाई कर भी हासिल नहीं कर पाते। यमुना ने बताया कि वो ईंट भट्टे में 6 से 7 घंटे तक काम करने के बाद पढ़ाई के लिए भी समय निकालती थी। सेल्फ स्टडी के भरोसे ही 4 बार में आखिरकार उसे इस बार कामयाबी हासिल हुई है। यमुना ने अपने आगे की प्लानिंग के बारे में बताते हुए कहा कि उसका लक्ष्य MBBS पूरा कर MD या MS के लिए ट्राई करना है। इधर यमुना की कामयाबी पर पिता बैजनाथ चक्रधारी बेहद खुश है। उनका कहना है कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी यमुना, युक्ति, वंदना और बेटे दीपक को पढ़ाई करवा कर एक अच्छा मुकाम दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं बेटी की सफलता से यमुना की मां कुसुम भी काफी गौरवान्वित है। मां ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कॉपी किताब नहीं देखा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ता देख गर्व महसूस कर रही हूं। यमुना की इस सफलता के बाद रिश्तेदार और पड़ोसी तो बधाई दे ही रहे हैं। वहीं श्रम विभाग के अधिकारी ने फोन कर यमुना की मदद करने की बात कही है।